फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो मैं आप सबका वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज सुबह फिर फ्रेश होके पहन लिए कपड़े कुपड़े, क्योंकि मैं अभी कुछ काम कर रही थी घर का, और अचानक फोन आया मेरी बहन का, प्रिया का, कि दीदी जल्दी आओ, आपका इंतजार हो रहा है। आज कुछ फिर रस्म है मिट्टी मुट्टी लेने की, और मेरे भी ना कोई काम चलता ही नहीं है। क्योंकि मैं उनकी बड़ी बहन, और बहनों को बुलाए और मैं जाऊँ ना, तो क्योंकि मेरा घर मेरे ननिहाल के पास ही है। अभी मैं आज जानू फटाफट जा रहे हैं, बाकी काम हम जैसे हैं वैसे छोड़ रहे हैं। तो चलते हैं, वहीं जाके आप सबको मिलती हूँ आज नई वीडियो के साथ, और अपने जम्मू की रस्में दिखाऊंगी कि क्या क्या रस्में की जाती हैं हमारे इधर शादी में। हर रस्म हर शूट करूंगी अपनी बहन की शादी की, और आप सबको पूरी शादी दिखाऊंगी। तो मैं इधर मामा के घर में, और आते ही अभी ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। घर से ब्रेकफास्ट नहीं करके बनाया ही नहीं तो करूँगी क्या, है ना। मुन्ने का तो स्कूल में है, और मेहर जानू आ गए, सभी मुझे बोले मैं बहुत फ्रेश लग रही हूँ। ये आ गई चाय, सब्जी, रोटी और नान गर्मा गर्म बन रहे हैं। तो ये देखिए मेरी ब्यूटीफुल सी मामी जी। मामी एक काम कर, मामी तो ये देखिए फ्रेंड्स, मजाक मजूक हो गया खत्म। मामा और मामी जी से जब हम लोग सभी कर रहे थे, तो चलता है कोई बात नहीं, खुश रहना चाहिए, दुखी नहीं रहना चाहिए ना। तो ये आ गया गया मेरी मामी जी, और पीछे बाकी सारी मामियां हैं, भाभियां हैं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं, और इसमें कुछ पूजा का सामान वगैरह रखा हुआ है। तो ये रस्म है मिट्टी लाने की। मिट्टी किस लिए लाई जाती है? जो अंगीठी बनाई जाती है हवन के लिए, जो बनाया जाता है ना हमारे इधर, मिट्टी का बनाया जाता है, तो ये उसकी रस्म है। तो ये अभी लेने के लिए जा रहे हैं, तो वो लेके आएंगे वहाँ से, फिर वो जो अंगीठी है उसको मिट्टी वगैरह लगाएंगे। और बीच में मेरी ननद भी है, और सभी मामी हम लोग जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, खूब गपशप चल रही है लेडीज़ की। तो ये फ्रेंड्स मेरी ननद है, और ननद भाभी देखो चल रही हैं साथ साथ, सभी देख रहे हैं। ननद भाभी का बहुत प्यार है, मैं वो तो है। तो सभी बारी बारी उठा रहे हैं, अभी नंबर आ गया मेरा, मैंने उठा लिया सर के ऊपर, और अच्छा लग रहा था। मामी बोली बड़ी बहन भी उठाएगी, मैंने कहा ठीक है। तो अगर मुझे इतनी रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मैं कोई कमी थोड़ी ना छोड़ूंगी उनकी रिस्पेक्ट करने के लिए। और ये सभी जा रही हैं, पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, पहली बार जा रही हूँ मैं उनके साथ। तो चलो जहाँ भी जाएंगे चलते जाएंगे। ये है अंजलि, वीडियो शूट कर रही है, और हम दोनों बहनों ने एक जैसा सूट पहना हुआ है, एक ही कलर का पहना हुआ है। तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं हम लोग, सभी बहुत सुंदर लग रहे हैं। मेरा दिल जाना नहीं लगे पकड़े मानो रंभी पकड़े इसी रंभी दे दी ना अपना सवाई।
चलो पहले मिट्टी दी ले लो आहो पहले मिट्टी पुट्ठी पुट्ठी जाने जांदी है पहले मिट्टी मिट्टी ले लो हां जेडी भी लेनी तो ये भी हमारे मामी जी हैं, इनके बेटे की शादी है। इनके बेटे की शादी है 6 तारीख की बारात है। पिया की 4 की है और इनके बेटे की 6 तारीख की है। तो दोनों भाई बहन की शादी एक ही साथ है। ताऊ और चाचा की बेटी दोनों की शादी एक ही साथ है और रस्में भी चल रही हैं। अभी मामी कल करेगी। ठीक है भाई बड़ी दिन है अच्छा भरजाई बड़ी लुआई हो तो ये सभी को प्रसाद दिया जा रहा है। तो आप सोचिए कि मेरी मामी अभी इतनी खूबसूरत है और जब इनकी शादी हुई थी नई नई तब कितनी खूबसूरत होंगी। पूरी मामी करिश्मा कपूर जैसे लगती थी, पूरी सेम टू सेम। तो फ्रेंड्स अभी हम पहुंच गए हैं घर। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जो न्यू है पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि पहले ये छोटी छोटी रस्में की जाती हैं फिर ही बड़ी रस्में आती हैं शादी की, और ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
तो मिट्टी लाने की रस्म हुई ख़त्म, वो पूरी होगी, अभी दूसरी रस्म शुरू हो गई। ये अभी प्रिया का शीतला माता की पूजा होगी, तो ये शीतला माता का मंदिर वगैरह बनाया जा रहा है। ये हमारी मामी जी बना रही हैं, दूसरी मामी बलकार मामे की मिसिज, और ये मंदिर बन रहा है। अभी देखना अंजलि क्या कारागिरी करती है इसमें। नहीं अंजलि ने सेदार गुड्डा बनाया, खड़ दो वो टिके रहा, लड़ी टूटी गई फिर मैं खोल ली था। तो ये देखिए, ये मामी कुछ रंग से गोल गोल बना रही हैं और प्रिया उसके ऊपर ऊपर चल रही है, और ये पूरे रास्ते तक बनाए जाएंगे। ये शीतला माता की पूजा होती है, और इसमें सूजी का प्रसाद और गोल गोल रोटियां बनाई हुई हैं, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, रोटियां ही बनाई हुई हैं, मतलब फुलके के जैसे नहीं है, चपाती के जैसे नहीं है, घी वगैरह लगा के। तो वो बना रही है मेरी बहन अनु, और अनु आ नहीं रही सामने, तो वो बोल रही है आप लोग करो, किचन का काम मैं संभालती हूँ। तो जो कुछ नहीं पता चल रहा है वो बताया जा रही है। गोलू ने मुँह छुपा लिया है, कहीं मैं ना वीडियो में आ जाऊँ, तो पता नहीं और कहीं ये मनाई जाती है नहीं मनाई जाती रस्म, लेकिन मैंने तो जम्मू पंजाब में देखा है, मेरी शादी हुई थी जब, तो मैं तो पंजाबी हूँ, तो वहाँ भी ये रस्म की जाती है। और अभी हैं हम लोग जम्मू कश्मीर में, जम्मू में भी ये रस्म की जा रही है, तो बाकी स्टेट में पता नहीं की जाती है नहीं की जाती है, किस किस के ये कहाँ की जाती है बताइएगा कमेंट्स करके। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है क्या नहीं है, ये मामी बना था, कलर कितना अच्छा लग रहा है, गुलाबी रंग का खूब अच्छा लग रहा है। तो रोड तक पूरे आके फिर अभी वापस जाएंगे घर की तरफ, लगना चाहिए ना कि शगुन वाला घर है। अभी ये बाथरूम में जा रहे हैं, और वहाँ गोबर से कुछ गोल गोल चक्कर बनाया, इसमें रंग डाला हुआ है, थोड़ी सी पूजा वहाँ होगी। ये देखिए मेरी ननद बहुत अच्छे से सॉन्ग आ रही है, जो माता रानी के सॉन्ग की आवाज आ रही है ना, ये मेरी ननद की आ रही है। तो ये देखिए सभी बारी बारी उसको कच्चा बुटना लगा रही हैं प्रिया को, और इसके बाद प्रिया नहाएगी ठंडे ठंडे पानी से, पानी गर्म भी नहीं किया जाएगा, सर्दी भी बहुत है, तो चलो कोई बात नहीं, अभी शादी करनी है इतना तो सहन करना पड़ेगा, ठंडा ठंडा पानी से नहाना पड़ेगा। तो ये गोलू अभी हम सभी बहनें मिलके लगाएंगी, और कुछ बहनें अभी नहीं आई हैं, वो बाद में आएंगी, वो बाकी रस्मों में शामिल होंगी। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा, और फिर आऊँगी आप सबके लिए एक अच्छी सी वीडियो लेके, तब तक के लिए ओके बाय बाय।